बीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। महाराष्ट्र की नई शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आरे के कॉलोनी के भीतर ही कार शेड बनाने की मंशा जाहिर की है। तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा से मिलने वाले हैं। वहीं शिंदे खेमे के प्रवक्ता दीपक केसरकर और बुलडाणा के विधायक संजय गायकवाड़ ने भाजपा नेता किरीट सोमैया की बयानबाजी पर रंज जताते हुए कहा कि हमें सरकार की परवाह नहीं, हम ठाकरे परिवार के खिलाफ किसी भी व्यक्तिगत हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उधर सीबीआई ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे और एनएसए की पूर्व एमडी व सीईओ चित्रा रामकृष्ण व रवि नारायण और कुछ अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस बीच मुंबईकरों को दो बड़े स्तरों पर बहुत बड़ी राहत मिली है। एक तरफ नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पहल की है, तो दूसरी तरफ बीएमसी कमिश्नर आईएस चहल ने कदम उठाया है। प्रदेश की इन पांच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। महाराष्ट्र की नई शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आरे कॉलोनी के भीतर ही कार शेड बनाने की मंशा जाहिर की है। फडणवीस का कहना है कि आरे कॉलोनी में कार शेड का 25% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 400 करोड़ रुपए में से 100 करोड़ खर्च भी हो चुके हैं। अब यदि आरे से मेट्रो कार शेड को कांजुर मार्ग में शिफ्ट किया जाता है तो समूचे प्रोजेक्ट की लागत और बढ़ जाएगी। दरअसल मुंबई में आरे मेट्रो प्रोजेक्ट में पेड़ों की कटाई के कारण कई संगठनों ने इसके निर्माण का विरोध किया था। इसे लेकर आंदोलन भी हुए थे। महाराष्ट्र के पर्यावरण संगठनों का आरोप है कि आरे में निर्माण से 4 लाख पेड़ों पर खतरा बढ़ेगा। आने वाले समय में इन्हें काटा भी जा सकता है। बॉलीवुड हस्तियां भी आरे में मेट्रो कार शेड बनाने का विरोध कर चुकी है। सितम्बर 2019 में सोशल मीडिया पर आरे कंजर्वेशन ग्रुप की सेव आरे मुहिम का लता मंगेशकर, आशा भोसले, रविनाथ टंडन, दिया मिर्जा, श्रद्धा कपूर, ईशान खट्टर, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर सहित अन्य हस्तियों ने समर्थन किया था। पर्यावरण संरक्षण से जुड़े संगठनों से ही शिवसेना, कांग्रेस और मनसे जैसे राजनीतिक दलों का कहना है कि मेट्रो कारशेड का निर्माण आरे कॉलोनी के जंगल में करने के बदले कांजुर मार्ग में सरकारी जमीन पर किया जाए। ठाकरे की महाविकास आघाड़ी सरकार ने कारशेड निर्माण का मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया था। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा से मिलने वाले हैं। कैबिनेट विस्तार से पहले दोनों का दिल्ली दौरा काफी अहम जा रहा है। कल रात उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। मिल रही जानकारी के मुताबिक दोनों नेता आज ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से भी शिष्टाचार मुलाकात कर सकते हैं। शिंदे और फडणवीस ने अमित शाह से मुलाकात के दौरान पावर शेयरिंग के फार्मूले की व्यापक रूपरेखा पर चर्चा की। अमित शाह ने ट्विटर पर कहा कि मुझे विश्वास है कि नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आप दोनों ईमानदारी से लोगों की सेवा करेंगे और महाराष्ट्र को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। इस बीच 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट द्वारा एकनाथ शिंदे और 15 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिका पर महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। कहा जा रहा है कि इसके बाद ही नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। एकनाथ शिंदे ने दिल्ली में मीडिया से कहा कि हमें न्यायपालिका पर भरोसा है। उन्होंने नवनिर्वाचित स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि अध्यक्ष में हमें मान्यता भी दी है। एकनाथ शिंदे ने 30 जून को भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत की थी। उद्धव ठाकरे पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने तीखे हमले को लेकर एकनाथ शिंदे खेमे और बीजेपी के बीच दरार आ गई है। शिंदे खेमे के प्रवक्ता दीपक केसरकर और बुलढाणा के विधायक संजय गायकवाड़ ने सोमैया पर तंज कसते हुए भाजपा से ठाकरे को निशाना न बनाने की चेतावनी देने को कहा। गायकवाड़ ने कहा कि हमें सरकार की परवाह नहीं, हम ठाकरे के खिलाफ किसी भी व्यक्तिगत हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। केसरकर और गायकवाड़ सोमैया के उस ट्वीट पर भड़क गए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि रिक्शा वाला के सीएम एकनाथ शिंदे से आज मंत्रालय में नील सोमैया ने मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। माफिया सीएम को बदलने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। शिंदे खेमे के प्रवक्ता केसरकर ने कहा कि हम सोमैया द्वारा उद्धव ठाकरे के खिलाफ इस्तेमाल किए गए शब्दों से सहमत नहीं है। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
इस पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। दूसरी ओर सोमैया के कटु आलोचक रहे गायकवाड़ ने चेतावनी दी कि वे ठाकरे परिवार के खिलाफ आलोचना बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर सोमैया ठाकरे परिवार के खिलाफ अपना बयान जारी रखते हैं तो हमें सत्ता की परवाह नहीं होगी। किरीट सोमैया को यह नहीं सोचना चाहिए कि विधायक शिवसेना से अलग हो गए है या अलग गुट बना लिया है। हम शिवसेना है और बाला साहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे के प्रति हमारी सच्ची वफादारी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अर्थात NSE की पूर्व MD व CEO चित्रा रामकृष्ण व रवि नारायण को कुछ अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की है। पांडे 30 जून को रिटायर्ड हुए थे, उसी के दो दिन के बाद उनके खिलाफ CBI जांच की बात सार्वजनिक हुई थी। CBI की इस FIR पर ED ने मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से जांच शुरू की और 5 जुलाई को नई दिल्ली के पांडे से 5 घंटे से ज्यादा पूछताछ की थी। पांडे 1986 के बीच IPS अधिकारी रहे हैं। उन्होंने कुछ साल पहले पुलिस नौकरी से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने वह इस्तीफा स्वीकार नहीं किया था। इस्तीफा देने और पुलिस सेवा में वापसी के सालों के बीच साल 2001 में पांडे ने ISEC सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड नामक एक एडिट कंपनी बनाई थी। पांडे से ED की पूछताछ इसी कंपनी के कामकाज और गतिविधियों से संबंधित थी। CBI के एक आला अधिकारी ने बताया कि नई FIR केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर दर्ज की गई है। इस मामले में ये भी आरोप है कि साल 2009 से साल 2017 के बीच नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तत्कालीन भूमिका तत्कालीन प्रमुख चित्रा रामकृष्ण और एक दूसरे निदेशक रवि नारायण ने मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर संजय पांडे के साथ आपराधिक षड्यंत्र कर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कई कर्मचारियों का फोन टैप करवाया। मुंबईकरों को दो बड़े स्तरों पर बहुत बड़ी राहत मिली है। एक तरफ नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पहल की है तो दूसरी तरफ BMC कमिश्नर IS चहल ने कदम उठाया है। दरअसल जब मुंबई की सड़कों से CM का काफिला गुजरने वाला होता है तो उससे काफी देर पहले ही ट्रैफिक रोक दिया जाता है। इससे व्यस्त सड़कों और चौराहों पर ट्रैफिक जाम होता जाता है। इससे जनता को काफी असुविधा होती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जनता की सुविधा के खातिर अपने स्पेशल प्रोटोकॉल को ठुकरा दिया है। मुख्यमंत्री शिंदे ने राज्य के पुलिस महानिदेशक और मुंबई पुलिस कमिश्नर से इस बारे में चर्चा करके उन्हें निर्देश दिया है कि उनका काफिला जिस रास्ते से भी गुजरे वहां कम से कम पुलिस बंदोबस्त लगाया जाए, जनता के वाहनों को रोका न जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार आम जनता की सरकार है और जनता को यह लगना चाहिए कि उनकी सरकार में VIP से ज्यादा सामान्य नागरिकों की अहमियत है। मुंबई में पहले से ही ट्रैफिक बड़ी समस्या है, उस पर VIP कल्चर के कारण अक्सर आम जनता को नाहक परेशानी झेलनी पड़ती है। वही BMC कमिश्नर IS चहल ने मुंबई के 10% पानी की कटौती रद्द कर दी है। हालांकि चहल के इस निर्णय को BJP के दबाव में लिया गया निर्णय कहा जा रहा है। भारतीय वैज्ञानिकों की ओर से तैयार रोबोट जल्द ही सरहद की निगरानी करते दिखेंगे। तो झारखंड के जामताड़ा इलाके के सैकड़ों स्कूलों में सरकारी नियमों के हिसाब से रविवार को साप्ताहिक अवकाश नहीं होता, बल्कि शुक्रवार यानी जुमे को छुट्टी रहती है। वही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं के रिजल्ट का छात्रों को बेसब्री से इंतजार है। तो उधर नई दिल्ली में रविवार शाम को NDA नेताओं की बैठक होगी। संसद के मानसून सत्र और राष्ट्रपति चुनाव से पहले यह मीटिंग होने जा रही है। इस बीच जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा के पास कल शाम बादल फटने की वजह से हुए हादसे में अब तक 16 श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि हो चुकी है। देश भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। भारतीय जवानों को अब कई स्तरों पर बड़ी सहायता मिलने जा रही है। भारतीय वैज्ञानिकों की ओर से तैयार रोबोट जल्द ही सरहद की निगरानी करते दिखेंगे। सेना ने DRDO की मदद से रेल माउंटेन रोबोट बनाया है, जिसे खामोश प्रहरी का नाम दिया गया है। इसे सीमा पर लगे बाड़ पर तैनात किया जा सकता है। यह दुश्मन की हलचल का कुछ ही सेकंड में पता कर लेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित 75 रक्षा तकनीक लॉन्च करेंगे। इनमें खामोश प्रहरी भी शामिल है। ऐसे रोबोट अब तक दक्षिण कोरिया, इसराइल ने ही बनाए हैं। रक्षा सचिव डॉक्टर जय कुमार ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर ये तकनीकें लॉन्च होगी। करीब 100 तकनीकें अभी निर्माण प्रक्रिया में हैं। तीनों सेनाओं के साथ साथ अर्धसैनिक बलों में भी AI आधारित तकनीक का इस्तेमाल बढ़ेगा। रक्षा मंत्रालय के अनुसार एक ऐसी तकनीक विकसित की गई है जो पानी के भीतर आवाजों को आधार पर लक्ष्य
और हाव भाव देखकर दुश्मन का पता लगा लेता है। इसे निजी कंपनी BEL ने बनाया है। इसके अलावा DRDO की यंग साइट्स प्रयोगशाला ने AI आधारित रडार तैयार किया है जो हर स्थिति में सही आंकड़े प्रदान करेगा। तो BEL ने समुद्र में टारगेट ट्रैकिंग सिस्टम भी तैयार किया है। DRDO ने सीमाओं पर इंसानी और वाहनों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए AI एनेबल्ड एयरपोर्ट इलेक्ट्रो ऑप्टिक इंफ्रारेड सिस्टम तैयार किया है। झारखंड के जामताड़ा जिले में स्थानीय लोगों ने सरकारी नियमों को तोड़ते हुए स्कूलों पर मनमानी नियम थोप दिए हैं। इलाके के सैकड़ों स्कूलों में अब सरकारी नियमों के हिसाब से रविवार को साप्ताहिक अवकाश नहीं होगा बल्कि शुक्रवार यानी जुमे को छुट्टी रहती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इलाके के कुछ मुस्लिम युवकों ने नियम बदलने की शुरुआत 2 से 3 स्कूलों से की थी, फिर बाद में यह मनमर्जी 100 से ज्यादा स्कूलों तक पहुँच गई। इन युवकों ने स्कूल मैनेजमेंट पर दबाव बनाया कि इलाके में 70% से अधिक मुस्लिम आबादी है और यहाँ के स्कूलों में मुस्लिम बच्चे भी अधिक हैं, इसीलिए यहाँ रविवार को पढ़ाई होगी और शुक्रवार को छुट्टी रहेगी। हैरान करने वाली बात यह है कि इलाके के कई स्कूलों के नाम के आगे उर्दू शब्द भी जोड़ दिया गया है, जबकि न ही इन स्कूलों में उर्दू पढ़ाई की जाती है और न ही यहाँ उर्दू का कोई टीचर है। इस मामले को लेकर अफसरों को कोई जानकारी नहीं है। दूसरी ओर मामले को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आप झारखंड को किस ओर ले जा रहे हैं? समाज में जहर घुलने वाली ऐसी असंवैधानिक कार्रवाई पर न सिर्फ तुरंत रोक लगाइए बल्कि ऐसे समाज विरोधी ताकतों पर कठोर कार्रवाई कीजिए। इस प्रकार के कदम सामाजिक विद्वेष पैदा करेंगे और मानसिकता में जहर घोलेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं के रिजल्ट का छात्रों को बेसब्री से इंतजार है। 12वीं का परिणाम न आने से JEE मेन वाले विद्यार्थी परेशान हैं। वह हर रोज CBI टेली काउंसिलिंग में फोन कर रिजल्ट जारी होने से संबंधित सवाल पूछ रहे हैं। पिछले 10 दिनों में 15,645 विद्यार्थियों ने 12वीं का रिजल्ट जारी होने की तिथि के बारे में पूछताछ की है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा JEE मेन की आंसर की जारी कर दी गई है और 1 से 2 दिन में इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। JEE मेन के लिए 12वीं में प्रथम श्रेणी पास होना जरूरी है। ज्ञात हो कि CBSE 12वीं में इस बार 85,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इसमें से 50,000 के लगभग छात्र एपियरिंग के तौर पर JEE मेन में शामिल हुए हैं। छात्र अपना अंक जानने के लिए इसलिए भी परेशान है क्योंकि बेहतर अंक अच्छे IIT या NIT के दाखिले का पैमाना माना जाता है। अच्छे अंक आने पर अच्छी रैंक भी IIT में दाखिल की उम्मीद होती है। अगर 2 छात्र एक ही रैंक पर आते हैं तो 12वीं में आए अंक के आधार पर छात्र को नामांकन वरीयता दी जाती है। Term 1 और Term 2 के वेटेज को लेकर भी सैकड़ों छात्रों ने अब तक फोन किया है। जिन छात्रों को Term 1 में कम अंक आए हैं उन्हें अब Term 2 के अंक को लेकर चिंता सताने लगी है। वहीं जिन छात्रों को Term 1 में अच्छे अंक आए हैं उन्हें Term 1 के वेटेज को लेकर परेशानी बढ़ गई है। अगर Term 1 का वेटेज कम होगा तो ऐसे में इसका असर उनके अंक पर पड़ेगा, इससे उन्हें कम अंक मिलने की चिंता सता रही है। नई दिल्ली में रविवार शाम को NDA नेताओं की बैठक होगी। संसद के मानसून सत्र और राष्ट्रपति चुनाव से पहले यह मीटिंग होने जा रही है। सूत्रों का कहना है कि बैठक में NDA नेता अपनी रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मालूम हो कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होना है। रिपोर्ट के मुताबिक मीटिंग के दौरान दोनों सदनों के NDA संसद चुनाव में भाग लेने की प्रक्रिया पर बात करेंगे, साथ ही इस दौरान पूरी प्रक्रिया का मॉक ड्रिल भी जाएगी। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। बता दें कि मुर्मू भारत के इतिहास में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है। निर्वाचित होने के बाद वह देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। साथ ही वह ओडिशा से पहली राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है। अपने सहयोगिताओं के अलावा NDA के उम्मीदवार मुर्मू को YSR कांग्रेस, BJD और अकाली दल का भी समर्थन प्राप्त है। राष्ट्रपति चुनाव में मुर्मू के पक्ष के अधिकतम मतदान यानी बड़ी जीत सुनिश्चित करने के लिए भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने अपने सभी सांसदों को 16 जुलाई को दिल्ली पहुंचने को कहा है। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा सभी सांसदों के साथ रात्रि भोज पर चर्चा करेंगे। 18 जुलाई से संसद सत्र शुरू हो रहा है और उसी दिन राष्ट्रपति पद के लिए मतदान होगा। मुर्मू की जीत तय मानी जा रही है, लेकिन भाजपा की कोशिश इस जीत को बड़ा करने की है।
जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा के पास कल शाम बादल फटने की वजह से हुए हादसे में अब तक 16 श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 45 से ज्यादा लोग घायल हैं, जबकि 40 से ज्यादा लोग अभी भी लापता है। घटना में हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका को देखते हुए जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय ने कश्मीर घाटी में तैनात सभी सरकारी मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी है। घटनास्थल पर ITBP और NDRF की टीमें डड़ी है। बचाव अभियान के लिए हेलीकॉप्टर और खोजी कुत्तों की भी मदद ली जा रही है। अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 40 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। बाढ़ के कारण पवित्र गुफा क्षेत्र के पास फंसे अधिकांश यात्रियों को पंजतरनी स्थानांतरित कर दिया गया है। ITBT ने लोअर हेली गुफा से पंजतरनी तक अपने मार्ग खोलने और सुरक्षा दलों को और बढ़ाया गया। अब तक करीब 15,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। जम्मू कश्मीर के डॉक्टरों के साथ वहां मौजूद BSF के डॉक्टरों ने मरीजों को प्राथमिक उपचार और CPR दिया। 9 मरीजों का इलाज किया गया जो गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्हें कम ऊंचाई वाले नेलग्राम बेस कैंप में रेस्क्यू किया गया था। सोनमर्ग के बालाटाल बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित की गई है। श्रद्धालुओं को टेंट में रहने के लिए कहा गया है क्योंकि मौसम साफ नहीं है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के हत्यारे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और कहा है कि वो आबे से असंतुष्ट था और इसीलिए उनकी हत्या करना चाहता था। तो डच सांसद गीट विल्डर्स ने कहा है कि वो कुरान और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ केस करना चाहते हैं। वहीं चीन की कंपनी वीवो मोबाइल्स ने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली से जुड़े अपने विज्ञापनों का प्रचार बंद करने का फैसला किया है। तो उधर एलन मस्क ने अब ट्विटर नहीं खरीदने की घोषणा की है। उनके इस फैसले पर ट्विटर ने मुकदमा दायर करने की चेतावनी है। इस बीच चीन के जंगलों में एक विशाल गड्ढे की खोज हुई है जो पूरी तरह से पेड़ों से ढका था। यहाँ पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँचती थी। दुनिया भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के हत्यारे ने शुक्रवार को ही अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा कि वो आबे से असंतुष्ट था और इसीलिए उनकी हत्या करना चाहता था। पुलिस के मुताबिक हत्यारे ने कहा कि उसे लगता था कि शिंजो आबे उस संगठन से जुड़े हुए हैं जिससे वो नफरत करता था। पश्चिमी जापान के नारा शहर जहां आबे की हत्या हुई के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने शुक्रवार को हत्यारे की पहचान 41 वर्षीय बेरोजगार तेत्सुया यामागामी के रूप में की, जिसने अपने घर में बनाई बंदूक से उन पर गोली चलाई थी। अधिकारियों ने यामागामी के घर की तलाशी ली और बड़े पैमाने पर बंदूक निर्माण से जुड़ी सामग्री को जब्त किया। यामागामी के अन्य दावों की भी जांच चल रही है, जिसमें उसने 3 साल तक नेवी में काम करने की बात स्वीकार की थी। उसके रिश्तेदारों ने बताया कि उसका पूरा परिवार धार्मिक समूह की वजह से खत्म हो गया था। जानकारी के मुताबिक वो इस बात से नाराज था कि इस समूह ने उसकी मां को अपने साथ जोड़ लिया था। उसकी मां ने समूह को बड़ी मात्रा में पैसे दान दिए, जिससे उसके घर में अशांति पैदा हुई। वह आबे के इस समूह के साथ कथित जुड़ाव से निराश था। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स अनुमान लगा रहे हैं कि संगठन का नाम जापान के ट्विटर पर ट्रेंडिंग शब्दों में से एक यूनिफिकेशन चर्च हो सकता है। इस धार्मिक संगठन की स्थापना कोरिया में हुई थी और उसकी नारा शाखा उस जगह थी जहां आबे को गोली मारी गई। यूनिफिकेशन चर्च के जापान सहित कई देशों में भी सदस्य है। बीजेपी से निष्कासित पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा का नीदरलैंड के सांसद गीट विल्डर्स शुरुआत से ही समर्थन कर रहे हैं। डच सांसद विल्डर्स इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। इस कारण उन्हें लगातार पाकिस्तान समेत अन्य देशों से धमकियां मिलती रहती है। अब इन्होंने इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद को लेकर एक और अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वह कुरान और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ केस करना चाहते हैं। इसके पीछे का उन्होंने कारण भी बताया। गिल्ट विल्डर्स ने ट्वीट किया कि हमें कुरान और मोहम्मद के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की कोशिश करनी चाहिए और अदालत में साबित करना चाहिए कि भेदभाव, अधीनता, हिंसा और असहिष्णुता उनकी विचारधारा के मूल में है और इसके बिना समाज अधिक स्वतंत्र होगा। गिल्ट विल्डर्स पहले भी आतंकियों की हिट लिस्ट में रहे हैं, लेकिन जब से वह नुपुर शर्मा के समर्थन में आए हैं तब से उन्हें मिलने वाली धमकियों में इजाफा हुआ है। गिट विल्डर्स लगातार अपनी धमकियों को ट्वीट करते हैं। इस बार भी उन्हें एक वीडियो के जरिए धमकी मिली है जिसमें उनकी फोटो है और उस पर आग जल रही है। इस पर लिखा है कि गिट विल्डर को सजा दो, हम कभी माफ नहीं करेंगे। इस पर विल्डर्स ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि इस तरह की बर्बरता के आगे नहीं झुकूंगा। अपने ट्वीट के कारण गिट पाकिस्तान में भी निशाने पर रहे हैं। स्मार्टफोन बनाने वाली चीन की कंपनी वीवो मोबाइल्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच चल रही है। इस बीच कंपनी ने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली से जुड़े अपने विज्ञापनों का प्रचार बंद करने का फैसला किया है। विराट कोहली भारत में कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है।
कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि विराट कोहली वाले विज्ञापनों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। कंपनी ने आईपीएल के 2021 के संस्करण से पहले विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। इससे पहले अभिनेता आमिर खान और सारा अली खान कंपनी के विज्ञापनों में नजर आते थे। वीवो मोबाइल्स के एक अधिकारी ने कहा कि जब तक जांच को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती है, तब तक विराट कोहली से जुड़े विज्ञापन और प्रमोशन एक्टिविटीज को रोका जा रहा है। एक अन्य अधिकारी ने कहा है कि कोहली की टीम भी इसे लेकर सहज नहीं थी। कोहली की टीम को इस बात पर आपत्ति थी कि कंपनी के खिलाफ जांच चल रही है और ऐसे में उसके विज्ञापनों में कोहली को दिखाना ठीक नहीं है, इसलिए कंपनी ने फिलहाल विराट कोहली वाले विज्ञापनों को रोकने का फैसला किया है। इसका मकसद विराट कोहली को आलोचना से बचाना है। इस बारे में वीवो इंडिया को भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं आया। बता दें कि ईडी ने पिछले कुछ दिनों में वीवो और उससे जुड़ी 23 कंपनियों के 48 ठिकानों पर छापेमारी की है। कंपनी के बैंक अकाउंट्स को भी फ्रीज कर दिया गया है। दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क अब ट्विटर नहीं खरीदेंगे। एलन मस्क ने घोषणा की है कि वो ट्विटर खरीदने के लिए $44 बिलियन की अपनी पेशकश को छोड़ देंगे, क्योंकि कंपनी नकली खातों की संख्या के बारे में पर्याप्त जानकारी मुहैया कराने में विफल रही है। वहीं ट्विटर ने तुरंत ये कहते हुए प्रतिक्रिया दी कि वो इस सौदे को बनाए रखने के लिए टेस्ला के CEO पर मुकदमा करेगा। अरबपति टेस्ला प्रमुख की टीम की ओर से ट्विटर को भेजे गए एक पत्र के अनुसार एलन मस्क खरीद समझौते के कई उल्लंघनों का हवाला देते हुए ट्विटर को खरीदने के लिए अपने $44 बिलियन के सौदे को समाप्त कर रहे हैं। पत्र में कहा गया कि मस्क विलय समझौते को समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि ट्विटर उस समझौते के कई प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है। दरअसल अप्रैल में मस्क ने ट्विटर के साथ $54.20 प्रति शेयर के हिसाब से लगभग $44 बिलियन के लेन देन में अधिग्रहण समझौता किया। हालांकि मस्क ने मई में अपनी टीम को ट्विटर के इस दावे की सत्यता की समीक्षा करने की अनुमति देने के लिए सौदे को रोक दिया कि प्लेटफॉर्म पर 5% से कम खाते बॉट या स्पैम है। पिछले महीने मस्क ने कहा था कि अगर ट्विटर स्पैम और फर्जी खातों पर डेटा देने में विफल रहता है तो वो अपने $44 अरब के अधिग्रहण समझौते से बाहर निकल सकते हैं, इसलिए अब सौदा अटक गया है। चीन के जंगलों में एक विशाल गड्ढे की खोज हुई है जो पूरी तरह से पेड़ों से ढका था। उसको बहुत से लोग अब तक दूसरी दुनिया मान रहे थे। खास बात तो यह है कि यहाँ पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँचती थी। इसके बावजूद हाल ही में एक टीम इसमें जाकर वापस आई। साथ ही उन्होंने इसके अंदर दबे रहस्य को सबके सामने रखा। चीनी मीडिया के मुताबिक ये विशालकाय गड्ढा 630 फीट का है, जो लेह काउंटी के जंगलों में छिपा हुआ था। स्थानीय लोग इसे शेनिंग तियाकेंग कहते हैं, साथ ही इसको दूसरी दुनिया से जोड़ते हैं। उनका मानना है कि ये गड्ढा अंतरीन है। हालांकि अब तक एक शख्स इसमें घुसा और बाहर आया तो सारी कहानियां धरी की धरी रह गई। रिपोर्ट में आगे बताया गया कि 6 मई को चेन लिक्सिन इस गड्ढे के अंदर गए थे। उसके साथ उनकी टीम भी मौजूद थी। इसकी चौड़ाई 490 फीट है। इसमें अंदर जाने के लिए टीम को 3 अलग अलग रास्ते मिले। उन्होंने शोध के लिए इसके अंदर की काफी फोटोज ली है। हालांकि उनको इसमें कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली। इस गड्ढे की खोज करने वाली टीम ने कहा कि गड्ढे के अंदर 130 फीट ऊंचे ऊंचे पेड़ है जो इसके अंदर जाने वाले रास्ते की ओर झुके हैं, जिस वजह से अंदर तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। पेड़ों की कुछ ऐसी प्रजातियां वहाँ है जिनके बारे में इंसानों को अभी तक नहीं पता। वहाँ पर कुल 30 सिंकहोल्स यानी विशालकाय गड्ढे खोजे गए हैं। तो वीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।